मैंने घर में इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। मैंने कहा ना मैं लेप लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ ना। आज हाय एवरीवन। रोशनी नहीं आई? नहीं आई, क्यों? मॉम को क्यों परेशान करना था, सिंपली अनकंफर्टेबल होंगी। मैंने भी मॉम को वही कहा, लेकिन मॉम को कौन समझाए। और एनीवेज आज से ना मॉम ही रिहर्सल पे आएगी। सॉरी रेवा जी, गलती हो गई मेरे से। आप तो पूरी गंदी हो गई हो, मैं साफ कर देता हूँ। रेवा जी पानी से साफ कर लेते हैं। चिप चिप हो रही है। सॉरी रेवा जी। जी कहिए। भाई साहब आप नर्स राधिका को बुला सकते हैं, राधिका सिंह जी। दो मिनट वेट करिए, बुलाता हूँ। श्योर श्योर। जल्दी आ, साड़ी दिखा। ओके। अरे माँ साड़ी वाला है, है? 20 की साड़ी 10 रुपये में देगा, इसलिए मैंने सोचा सस्ते में मामला कट जाएगा। अरे पर तन्ने साड़ी की क्या जरूरत पड़ गई? माँ कैसी बात कर रही हो, है? जीजी ने सबको तोहफे दिया, हमारा भी तो फर्ज बने है ना उन्हें तोहफे देने का। अच्छा तो ये तेरे सासरे की बात है, तभी तेरा दिमाग चल पड़ा, वरना जबानी चलती है। माँ भाई बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखा, जल्दी निकाल डब्बा माल। नीलम जीजी भी आ गई, बैठो आ जाओ। ये बात है, ट्विंकल नहीं आई गैल आपके? एजे ने ट्विंकल को रिहर्सल का इंचार्ज बना दिया है, इसलिए वो बिजी है। अरे ये सब क्या दुकान लगा रखी है? वो भाभी आपके खातिर से 2-3 साड़ियाँ खरीद रहे थे, 1-2 साड़ियाँ पसंद कर लो अब आप। अब कमो तुम जिद कर रही हो तो देख ही लेती हूँ। भाई साहब मेरे टाइप की साड़ियाँ दिखाइए। ताई जी चाय ले लीजिए। ट्विंकल एजे क्या कह रहा था, तुम्हारी तारीफ कर रहा था? नो मामा, वो पूछ रहा था कि रोशनी क्यों नहीं आई। बाद में ले लूंगी। हेलो सर। हेलो। मैंने तो आपको कल आने के लिए बोला था। राधिका जी सवाल जवाब के लिए तो वो पूरा दिन है, पर उससे पहले मैं आपके लिए कुछ लेके आया, छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। वैसे अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो रिकॉर्ड्स देख लूं। अच्छा आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको रिकॉर्ड्स देती हूँ। यस प्लीज प्लीज आफ्टर यू प्लीज। सर आप बैठिए, मैं रिकॉर्ड्स लेके आती हूँ। श्योर। डीजे नहीं तो एक भी सामान अपनी जगह पर नहीं। कितनी बार कहा है मेरी चीजें को मत छुआ करो, मत छुआ करो, मत छुआ। भजन की सीढ़ी के साथ मिक्स हो गई होंगी। ये क्या है? पुरानी डायरी किसकी? I'm impressed. डीजे के पास भी सीक्रेट डायरी। आकर्ष, बंजर जमीन पर गिरती बूंदों की तरह उसने मेरी जिंदगी को फिर से हरा कर दिया। एक बार फिर जीने की चाह जाग उठी है। उसके नन्हे नन्हे कदम, उसकी छोटी छोटी हथेलियां, उसकी प्यारी प्यारी मुस्कान आपको हर परेशानी भुलाने पर मजबूर कर देती है। हाँ बिना डीजे जब जब आकर्ष को देखती हूं तब तब मेरी आंखें भर आती है। आकर्ष में मैं तुम्हें ढूंढती हूं।
सोचती हूँ तुम भी आकाश की तरह खिलौने के लिए जिद करती होगी। खाने में हरी सब्जियां देखकर पलंग के नीचे छुप जाती होगी, पर पता नहीं कोई तुम्हें मनाने आता भी होगा या नहीं। रात में जब डरावने सपने आते होंगे तो कोई तुम्हें गले से लगाता है या नहीं। और मेरा नाच, क्या वो तुम्हें आज भी सताता है? कितनी अजीब बात है ये कि माँ हूं पर तुम्हारे लिए दुआ करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। माँ तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद भी जान दे सकती है, लेकिन मैं तो अपनी जान बचाने करनाल से अकेले भाग आई, तुझे साथ भी ना ला सकी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मरने से पहले एक बार तुम्हें देख लूं। आप चाहे कभी जिक्र भी ना करें डीजे, लेकिन मुझे पता है आप अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं। आप भले अपनी स्माइल के पीछे अपने दर्द को छुपा लें, लेकिन मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ और इसलिए मैं आपको आपकी बेटी से मिलवा कर रहूँगा। ये देखिए। वो दिखाना भाई साहब। बस मेरे तो 5 साड़ियां हो गई, कुल मिलाकर 25,000। बस 25,000? ए रोशनी, भाई जी ने बोला पैसे देने हैं साड़ी के। बुत बन के खड़ी है, बुला के ला। ए गौन चिपक गई पैर में, भाई जी ने बुला ले। मर गई। ए भाई जी, ए भाई जी। हाँ, क्या होया? भाई अरे ना खड़ी हो चक। भाई जी, जीजी खातिर ना साड़ी खरीदी है, पैसे दे दो। हाँ, कितने पैसे हो गए भाई? 25,000 रुपए। भाई जी को क्यों परेशान कर रही है, मैं दे देती हूँ। अरे नाना जी, जी आपके लिए तोहफे खरीदे हैं और आपसे पैसे दिलवाएंगे, हम दे देंगे। दे दो भाई जी, दे दो आप। ला, मैं साड़ी रख के आऊँ। ला। क्या हुआ भाई जी, आप परेशान लग रहे हैं? क्या बात है, एजे के रेंट के पैसे खत्म हो गए क्या? अरे और मांग लीजिए, वो तो बिना पूछे दे देगा। After all, he is Akash Jai Singh. अरे भाई जी, मेरा हिसाब कर दो, मुझे आगे भी जाना है। हाँ, वो एक काम करना भाई, कल आकर पैसे ले लीजिए। ठीक है भाई जी, कल पैसा जरूर दे देना। पापा जी, वो आप इतने पैसे कहां से लाएंगे?
मिल गया। थैंक यू सो मच राधिका जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, बाय राधिका जी। बस कुछ ही घंटे और दीजिए, फिर मैं आपकी बेटी के पास होऊंगा। कितने पैसे हो गए भाई? कुल मिलाकर 25,000। पता नहीं पापा जी इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे। क्यों के नील ने खाना ना खाया के? ना मालकिन, भाई जी को भूख ना है। अच्छा जाओ। करो इस फोन का अम्मा। अपनी रोशनी ने फोन घुमा ले, नहीं तुम्हारा लल्ला ऐसे ही मुंह लटका के बैठा रहेगा और तन्ने उदास देख के मैं परेशान होती रहूंगी। ये ले अम्मा, मैंने कोई बात ना करनी है उससे। ठीक है, अगर तू फोन ना करेगा तो मैं कर लेती हूँ। माँ हूँ, अपने बच्चे ने परेशान ना देख सकूंगी। सुरेंद्र, इतनी बड़ी रकम कहां से जुगाड़ करेगा? अरे 25,000 रुपए कुछ कम ना हो बेटा? तो पहले ही कह देता ना कि नहीं हो सकेगा। मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं करता भी क्या मां? उसने कोई बात नहीं, फिर से लगा लेती हूं, काम में उलझी होगी ना। घर में भी इस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं है जिसने मैं गिरवी रख सकूं। मैं तो कहूं तू साफ साफ नीलम से कह दे कि ये बिल हम ना भर सकेंगे। कैसे कह देता मां, कम्मों की जिठानी है वो, और वैसे भी नीलम बहन जी बहुत महंगे महंगे तो फैला ही मारे लिए। तो फिर कहां से आए होंगे इतने पैसे? हा? क्या करेगा तू? बड़ी जल्दी मच रही है, तेरे में आकड़ है ना तो मेरे में भी है।
इसलिए कह रहा था मैं, अब तक मत करो उसने फोन। पर छोरे आज नहीं तो कल बात तो करेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कि आज के बाद रिश्ता ही तोड़ लेगा उससे। मालकिन मालकिन ये हो गया, के आफत आ गई, सांस ले ले पहले। अरे ऐसी खबर लेकर आई हूँ कि आपकी भी सांस फूल जाएगी। क्यों ऐसा आगे सुन लिया? छोटे साहब की मंडली का एक सन्यासी आया था, बताकर गया है कि एक दो दिन में यात्रा खत्म हो जाएगी और छोटे साहब परसों घर आ जाएंगे। लो अब इन्हीं की कमी रह गई थी, अब एक तमाशा और झेलो। अरे केक जा रहा है डील। याद आ रही है मारोनी ने, ये मैं भी ना उठाऊंगा फोन। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। अब बड़ी जल्दी मच रही है। तेरे में आकड़ है ना, तो मेरे में भी है। सॉरी रोशनी, समोसे मैं आपके लिए। आई नो आप गिफ्ट्स नहीं लेती, लेकिन ये गिफ्ट नहीं रोशनी, आज एक्चुअली ना मैं बहुत खुश हूँ। I'm really very happy. And मैं चाहता था ये खुशी किसी के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से आपके फेवरेट समोसे लाऊं। अब तो आप खुश हो ना? क्योंकि देखिए मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करें ये समोसे खा। मुझसे आप किसी को बोलकर खुशी नहीं दे सकते। हर इंसान को अपने हिस्से की खुशी पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी क्या बात है रोशनी, हर छोटी खुशी से खुद को दूर कर देती है। मनने लग गया है आपके घर के कुछ जेवर चोरी हो गए हैं। सारा दिमाग तो ना खराब हो गया है? लो आप खुद देख लो। यो हार थारे पास कैसे आया? सुबह सुबह कोई गिरवी रख गया था हमारी दुकान पे। लेकिन आप जाकर आराम से बैठो, मैं सब ठीक से करवा दूंगी। इमरती पिछले 23 सालों से मैं नील के बाबूजी की आने की तैयारी अपने आंखों के सामने करवा रही हूं। अब इतना जरूरी काम नौकरों के भरोसे कैसे छोड़ दूं?
अरे राजू सुन, यो घड़ा बदल दे जी। पर याद रखियो, नया घड़ा आज कल का बड़वा हो। नील के बाबूजी को मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद से, और अखंड ज्योत का सारा सामान यहाँ के रख दो जी। जब तक नील के बाबूजी इस कमरे में रहेंगे, अखंड ज्योत जलती रहनी चाहिए। चल भाग अब। मानना पड़ेगा मालकिन, इतने सालों में कुछ ना बदला। नील के बाबूजी भले ही कुछ समय के लिए घर में रहवे, आज भी आपको उनकी एक एक जरूरत याद से। अपने पति की हर जरूरत का ख्याल रखना मारा धर्म से, और यो धर्म मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मालकिन, सुनार जी आपसे मिलने हैं। अच्छा, भेज उन्हें। राम राम। अरे भाई जी, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? घेड़ों की पालिस इतनी जल्दी तो खराब ना होवे है। राणा चौधराइन, ऐसी बात ना है, आज बहुत गहरी चिंता में हूँ मैं। चौधराइन, मन ने लग गया है आपके घर के कुछ जेवर चोरी हो गए हैं। ये थारा दिमाग तो ना खराब हो गया है? इस घर से एक तिनका ना गायब हो गए है, गहने तो दूर की बात है। लो, आप खुद देख लो। यो हार थारे पास कैसे आया? सुबह सुबह कोई गिरवी रख गया था हमारी दुकान पे। पिछली बार जो हार मैंने रोशनी ने दिया था, वो हार मन ने वापस चाहिए। सीता, वो हार नहीं है वहाँ पर। मैंने पूरी अलमारी देख ली, हार नहीं मिला। इंदर, कहीं तूने